अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी हम गवर्धन जैसा येलो कलर प्योर हम घी घर पे कैसे बना सकते हैं सिंपल एंड इजी तरीके से। आप देख सकते हो, ये मैंने घर पे बनाया है एकदम प्योर येलो कलर का। सो फ्रेंड्स, चलो करते हैं स्टार्ट आज की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ये है तकरीबन 2 महीने की मलाई जिसको कि मैंने फ्रीज़र से बाहर निकाला है तकरीबन 3 घंटे पहले। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1/2 लीटर वाटर। अब हम इसको पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे और फिर हम उसको गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। अब हम इसको इस विस्कर की मदद से इसमें पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जो हमारी मलाई है ये अच्छी तरह से पानी के साथ मिल गई है। तो चलो अब हम इसको गैस पे रखेंगे और इसका घी बना देंगे एकदम शुद्ध प्योर और वो भी सिंपल एंड इजी तरीके से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने पतीले को गैस के ऊपर रख दिया है और ये बॉयल भी होना स्टार्ट हो चुका है। अब हमें इसको बीच बीच में से स्टार करते रहना है, ऐसे हमें स्पून की मदद से इसको बीच बीच में से स्टार करते रहना है ताकि जो मलाई है हमारी वो नीचे से चिपक ना जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो हमारी मलाई है ये बिल्कुल उबल रही है अच्छी तरह से। अब इसको इसी में टाइम लगेगा उबलने में ही, क्योंकि जो भी आप देख सकते हो ये ऊपर की तरफ जो जाग आ चुकी है इसमें जो भी पानी होगा वो ड्राई हो जाएगा और ये बिल्कुल कुछ टाइम के बाद हमें प्योर घी मिलेगा। बस अब हमें इसको गैस को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर रखना है और इसको ऐसे ही उबलने देना है। इसको ऐसे ही बीच में स्टार करते रहना है, बस बाकी खुद ब खुद हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो जो घी है ये निकलना स्टार्ट हो चुका है, अभी इसमें बहुत निकलेगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं लास्ट में कितना हो जाएगा हमारा घी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी मलाई थी उसमें सारा घी निकल चुका है। अब हम कर देंगे गैस को बंद और कर देंगे थोड़ा सा वेट जब तक कि हमारा जो घी है वो थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा घी है ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो चलो अब है इसको छान के प्रिजर्व करने की बारी, हम कैसे इसको अब छान के सेव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास गवर्धन की ये घी की बोतल है, अब हम इसी में इसको छान के रख देंगे। ये मैंने बोतल के ऊपर छलनी रख दी है, अब हम इसको टॉवल से उठा के आराम से ताकि जो ये इम्प्योरिटीज है कुछ इसकी ये छलनी से रुक सके। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो बोतल है ये 500 ग्राम की बोतल थी, ये बिल्कुल भर चुकी है। अब है इसके कलर की बारी, कलर चेंज करने की बारी। अभी हमारे पतीले में घी बाकी है, ये हम दूसरी बोतल में भर देंगे। फ्रेंड्स, अभी तो ये येलो कलर का दिख रहा है लेकिन जब ये ठंडा पूरा हो जाएगा, जब ये जम जाएगा ये वाइट कलर का दिखेगा। अब हमें इसको कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ मैं ऐड करूँगी इसमें चुटकी भर हल्दी। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं 1/4 टी स्पून इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको स्पून की मदद से थोड़ा सा स्टायर करेंगे ताकि जो हल्दी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए घी के साथ। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको ऊपर से लिड रखेंगे और इसको फ्रिज में रख करके इसको सेव कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।